ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ द स्कॉलरशिप। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे यार एसटीएन एससी स्टूडेंट्स वालों के लिए, जो आपका स्पेशल आपका जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो स्कॉलरशिप हो रही होने वाली है आज की वीडियो में, वो सिर्फ और सिर्फ एसटीएन एससी स्टूडेंट्स के लिए है। आपका यार जो आपका जनरल कैटेगरी है उसके लिए नहीं है सिर्फ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसटीएन एससी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो बात करने वाला है ये जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअल में है क्या, एंड इसका अमाउंट कितना मिलने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है, एंड इसको किस प्रकार से हम अप्लाई कर रहे होंगे, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर ऑफलाइन। ठीक है, तो इन सभी डिटेल में जानने होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं ये स्कॉलरशिप आई कहां है। देखो यार, सबसे पहले ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ जीएनडीआईटी कॉलेज में आया है, अगर डीएसयू का जो रोहिणी कैंपस है उसमें। ठीक है, अगर आपके पास नहीं आया कोई और इन सभी जो आपका ये कॉलेज है इसके अलावा अगर नहीं आया तो चिंता मत करो, वो सभी कॉलेज में आएगा। ये जो बेसिकली स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वालों के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है, अगर इसकी अमाउंट की बात करें, देखो अमाउंट की बात बाद में बात करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि स्कॉलरशिप है क्या, ये किसके द्वारा रन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो यार ये दिल्ली आपका दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है लिमिटेड है टाटा पावर का, उसके द्वारा ये एक प्रोग्राम है, टॉप प्रोग्राम है। ठीक है, टीडब्ल्यूएपी जो जिसका फुल फॉर्म है या टाटा आपका एफिलिएटेड एक्शन प्रोग्राम, इसको द्वारा ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप सभी को, जो ओनली फॉर द एसटी स्टूडेंट एंड एसटी एससी स्टूडेंट, मतलब कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये 21 एंड 21st जो आपका 21 एंड 22 वाले ईयर वाले बच्चे हैं उन सभी को मिलने वाला है। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों को मिलेगा ये स्कॉलरशिप। एंड यार यहाँ पे इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी है। ठीक है, अगर इसके अमाउंट की बात करें तो इसका अमाउंट भैया ये अमाउंट क्या मिलेगा, तो इसके अमाउंट की अगर बात करें जो आपका ट्यूशन फीस होता है जो आपका 15,000 जो आपका अमाउंट है पूरे साल का। ठीक है, 15,000 अमाउंट है उसमें जो आपका ट्यूशन फीस जो होगा सिर्फ, देखो आपको पता है कि कोई भी आपका फीस अगर फीस पे करते हो तो उसमें 3 से 4 प्रकार की आपकी फीस होती है। ठीक है, तो ट्यूशन फीस जो उसमें वो सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा आपको, उसकी स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, बाकी जो आपका ट्यूशन फीस के अलावा जो फीस है उसमें ये चीज माफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप का जो ये फॉर्म ये है। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑफलाइन अप्लाई होगा ना कि ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही अप्लाई होगा, आपका जो कॉलेज है उसी में ये नोटिस आएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है या ये कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका यार यहाँ पे सुंदर सी फोटो लगानी है, फिर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, फिर आपका कैंडिडेट का नाम लिखना आएगा। ठीक है, फिर ये आपका ट्रेड आएगा जो आपका ट्रेड मिला डिप्लोमा इन डैश डैश डैश। ठीक है, ये एकेडमिक सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी का, एंड एनुअल फीस आपकी क्या जा रही है उस कॉलेज में वो मिलेगा। आप एनुअल की फी कैसे पता चलेगी भैया, तो यार आपको कुछ नहीं करना, डीएसयू की वेबसाइट पर जाना है एंड वहाँ पे जो आपका फीस स्ट्रक्चर वाला जो फोल्डर है वहाँ पे जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा जो कि डीएसयू से रजिस्टर्ड है, एंड फिर आपका यार आधार नंबर आएगा यहाँ पे, फिर आपका मेल आईडी आएगा, फादर नेम एंड फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या काम करते हैं, फिर नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर, फिर आपका यार एसटीएन एससी जो भी हो आप यार यहाँ पे लिख देना, एंड यहाँ पे आपका नंबर लिख देना जो आपका एसटीएन एससी सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो। ठीक है, यहाँ पे आपके एनुअल फैमिली इनकम आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर अब यार यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यार ये करना है क्लास टेंथ का आपको यार यहाँ पे ये परसेंटेज बतानी है, एंड क्लास ट्वेल्थ अगर आपने करी है तो उसकी डाल देना। आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अभी करें नहीं हो, अभी आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको कोई भी यार यहाँ पे मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको टेंथ बेसिस पे मिलने वाला है। ठीक है, जिसने ट्वेल्थ करी है वो ट्वेल्थ की परसेंटेज यहाँ पे डाल देना। ठीक है, अब डिक्लेरेशन यार यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यार यहाँ पे डेट आएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, ये इसको दे देनी है आपको कॉलेज के उसमें। ठीक है, इसमें जो अटैच होगा डॉक्यूमेंट वो अटैच सुन लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनकम प्रूफ आपकी सर्टिफिकेट जो आपके पापा का है वो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो सिंस ये एसटीएन एससी स्टूडेंट्स के लिए ऑनली फॉर, तो इसके लिए सर्टिफिकेट आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट मतलब कि आपकी 10th की मार्कशीट चलेगी, फीस रिसीप्ट जो आपको यार कॉलेज का फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिला था जो आपने यार आपने 7500 रुपीस भरा था उसका फीस स्लिप यार यहां पे लगेगा, फिर अकाउंट डिटेल आपके यार यहां पे। मैं एक चीज बता दूं, जो बच्चों को यार ये स्कॉलरशिप मिल रहा है जो कैंडिडेट है उसके नाम पे आपका अकाउंट होना जरूरी है बैंक अकाउंट, तभी आपको पैसे मिलेंगे अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपका कॉलेज आइडेंटिटी या तो एडमिशन कार्ड या तो फिर आपका यार जो आईडी कार्ड मिला है वो, आईडी कार्ड आप सभी का अभी बनानी होगा, तो आपका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे अटैच कर देना जो कि फाइनल अलॉटमेंट लेटर आपका आया था। ठीक है, फिर आपके यार यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाती है, कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए आपके पास मिनिमम आपको यार 10th में 50% आपके एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसकी मार्कशीट आपके अटैच करनी पड़ेगी, फिर आपके जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से रुपीज से कम होनी चाहिए जो आपके फादर की इनकम है वो। ठीक है, फिर आपके यार यहाँ पे एडमिशन फॉर द डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट का जो मतलब एडमिशन लेटर जो आपका आया था लास्ट में फाइनल अलॉटमेंट लेटर वो आपको अटैच करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीप्ट फॉर द एकेडमिक ईयर, जो आपको यार यहाँ पे ट्यूशन फीस जो आपने फीस पेमेंट करी थी ना 7500 रुपीज, उसमें जो ट्यूशन फीस का जो आपका वो आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। फिर पासबुक जो आपका यार देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, पासबुक शोइंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम जो स्टूडेंट का है उसी के बेसिस जो आपका स्टूडेंट का नाम है उसके का ही अकाउंट होना चाहिए, उसमें जो आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड फोटोग्राफ वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो सारी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके नाम पर अकाउंट नंबर नहीं है आपके जो स्टूडेंट है उसके, अगर उसके नाम पे अकाउंट नहीं है तो ये उसको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद एसटीएससी जो आपका सर्टिफिकेट है उसका, फिर आपका आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे, तब आपको यार ये ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा आपके कॉलेज में ही। आपके यार यहाँ पे एक रूम नंबर बता देंगे कि इस रूम नंबर में जाकर ये अपलोड ये दे देना। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना, तब तक ले जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।